असलमर्स क्या हाल है आप सब की उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशाह आपकी पूरी करे जिससे कोई भी मुश्किल है परेशानी कोई भी दुख तकलीफ है तो अल्लाह पाकों अपना खास रमो करम नादुल करे अमीन सुम आमीन आज मुहरम मुहर्रम की दस तारीख़ है और मैं बना रही हूँ न्याज के लिए देगी कौरमा देगी कौरमा बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो कुछ इस तरह है कि मैंने यहाँ पे दो केजी बीफ का कीमा बीफ का गोश्त लिया है और वन केजी मैंने यहाँ पर चिकन का गोश्त लिया है और दोनों की प्याज मैंने एक साथ काट ली है तो इन दोनों को हम अलग अलग अब बनाएंगे और बनाना एक ही तरीके से हमें चिकन का भी और बीफ का भी तो इसका बनाना बहुत आसान है मैंने यहाँ पे अपने पतीले के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है और ये तकरीबन 300 ग्राम 250 ग्राम ऑयल है और इसके अंदर मैंने प्याज डाल की तमाम ब्राउन करके निकाली है अब हमें क्या करना है कि ये मेरे पास वन के जी दही है इसी ऑयल में जिसे मैंने प्याज फ्राई की थी उस ऑयल में मैंने डाल दिया इस दही को और ये कुछ मसाले हैं जिसमें खड़ा गर्म मसाला है हल्दी है सफ़ेद ज़ीरा है लाल मिर्चें हैं और कुटी हुई साब आ, ग्रीन वाली जो छोटी और बड़ी इलायची होती हैं वो हैं इसके अंदर और दो टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने लहसनद का पेस्ट डाला है और इसके अंदर हम क्या डालेंगे बस अब इन तमाम चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे ये देगी कोरमा बहुत ही फ्लेम को तेज़ करती जब तक तो हमें पकाना है, है। जब तक तो कि ये दही का पानी अच्छा सा खुश्क नहीं हो जाता है तो ये मज़ेदार हलीम तो देगी, देगी हलीम कोरमा बहुत बहुत मज़े का बनता है ये और ये रेसिपी और मैं, मैं बना रही हूँ अपने कज़न के हस्बैंड की रेसिपी से तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज लजेज बनाता अब हम ब्राउनी तैयार कर रहे हैं ब्राउनी नहीं सॉरी हम तैयार कर रहे हैं ब्राउन यानी कि भगार के लिए मैंने क्या लिया है इसके अंदर जायफल जैत है ज़ीरा है सफ़ेद और तिल हैं सफ़ेद वाले मगज हैं और सफ़ेद जो खोपरा होता है नारियल पे सवा वो है इसके अंदर और प्याज इन तमाम चीज़ों के साथ डाल के हम कूट लेंगे अच्छा सा इमाम दस्ते के अंदर यहाँ पे देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है मसाला अच्छा सा भुन रहा है हमारा भुन चुका है अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल किया है और इस गोश्त को डाल के हम अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे पहले बहुत अच्छी तरह इसको भूनेंगे हम जब ये भुन जाएगा तो इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा पानी डाल के अब ये तमाम प्याज देखिए बिल्कुल ड्राई बिल्कुल यानी कि फ्राई हो चुकी है और मैं तमाम चीज़ें कूट भी ली थी अब मैं प्याज को कूट करके और तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर हम केवड़ा वाटर केवड़ा एसेंस डालेंगे वाटर नहीं केवड़ा एसेंस कुछ ड्रॉप डालेंगे इसके अंदर तो यहाँ पर जब तक हमारा बीफ का कोरमा तैयार हो रहा है गल ड्राइव बीफ हम यहाँ पे चिकन का कोरमा तैयार करते हैं चिकन का कोरमा सेम प्रोसीजर प्रोसीजर से तैयार होगा और ये भी बहुत जल्दी बन जाता है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऑयल के ऑयल डालूँगी पतीली के अंदर इसको ऑयल को गर्म करके इसमें हम चिकन डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे चिकन को कलर चेंज होने तक जब चिकन का कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा उसके बाद इसमें मैं लहसुन का पेस्ट साबुत गरम मसाला तमाम इसमें वही साबुत बड़ी इलायची छोटी इलायची कूट करके लहसुन अंदर का पेस्ट नमक हल्दी और मिर्च ये तमाम चीज़ें डाल के और उसको अच्छा सा भूनेंगे हल्का सा और उसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे और दही जो है शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारी चिकन निकल जाए अच्छी सी और मसाला हमारा भुन नहीं जाए और इसका भी ब्राउन मैंने साथ तैयार कर लिया था इनकी कि भुनाओ जिसे कहते हैं वो हमने साथ तैयार कर लिया था यहाँ पे देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छी सी गल गई है मसाला अच्छा सा भुनने को आ गया है तकरीबन चिकन भुन गई है हमारी अच्छी सी भुनाई हो गई है अब मैं इसके अंदर जो मैंने भुनाव बनाया था ये शामिल करूँगी और इसके अंदर हम आधा कप दूध शामिल करेंगे और मैंने इसमें एक टेबल स्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर डाला था थोड़ा सा मैंने पहले डाला है थोड़ा सा मैं बाद में डाल रही हूँ हमारे यहाँ कमी खाया जाता है तो इसलिए मिर्चें मैंने थोड़ी कम रखी थी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी इस तमाम चीज़ों की अब इसको क्या करना है कि दाल की हमें पंद्रह से बीस मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम दम लगाएँगे ये देखिए हमारा बेहतरीन सा चिकन का देगी कर्मा तैयार है जो कि वाकई बहुत लजीज़ बना था बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमीर और सबको बहुत पसंद आया था सब समझ रहे थे शायद ये बाज़ार से मंगवाया है मैंने या वो डेग का बना हुआ है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अच्छा आखिर में इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला ऐड किया है इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला अब यहाँ पर हमारा देखें बीफ पिघल चुका है अच्छा सा और मसाला भी हमारा अच्छा सा भुन गया है अब इसके अंदर ये मैं ब्राउन डालूंगी तमाम ये जो मैंने बनाओ बनाया था सब शामिल करूंगी इसमें एक गिलास दूध जाएगा और एक टेबल स्पून भर के इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था और इसको भी मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट लिए लो फ्लेम पे दम लगा दिया था और दम लगाने के बाद इसमें हम बिल्कुल दम लगाने के बाद इसमें एक टी स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला जाएगा और इसके बाद ये तैयार है बिल्कुल तो देखिए ये हमारा बेहतरीन सा चिकन का कौरमा तैयार है और हमारा बीफ का कौरमा तैयार है तो ये हमारे चिकन और बीफ के कौरमे की फाइनल लुक है जो कि बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था ये वाकई में बहुत मज़े का बना था तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा